आज बहुत दिन हो गया है, चलो आज हिसाब का किताब लेके आओ। हम देखना चाहते हैं कि किसने कितना कर्ज लिया हमारे पास, और जो जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है उसको मेरे पास लेके आना। अरे ये पॉल कौन है? उसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है, उसको मेरे पास लेके आओ। आज मेरा मूड इतना अच्छा क्यों है? अरे 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 क्या हुआ भाई, मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे कोई अच्छा काम हुआ, मुझे प्रमोशन मिलने वाला लग रहा है। चलो चलो चलो, देखा मेरे को लगा ही था आज मेरे को राजा सैनिक भी आ गया बुलाने। मेरे लग रहा है राजा आज मेरे को प्रमोशन देने वाला है। अब लग रहा है मैं दास से मंत्री बनने वाला हूँ। राजा जी प्रणाम। सुनाइए राजा जी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? अभी रुको, तुम्हारी खुशखबरी दिखाता हूँ तुमको। दिखाइए राजा जी। तुमने मेरा इतना सारा उधार लिया है, कर्जा लिया है, वो कब चुकाओगे तुम? अरे यार ये दिन ही क्यों आता है राजा जी को, ये क्यों आ जाता है हिसाब किताब, याद क्यों आता है राजा जी को? अब मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब राजा जी को पटाना पड़ेगा लग रहा है। राजा जी माफ कर दीजिए राजा जी, मैं कैसे भी करके चुका दूंगा राजा जी। तुम अभी चुकाओ मेरा पैसा। राजा जी नहीं हो पाएगा राजा जी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है राजा जी। सुनना नहीं चाहता, तुम अभी चुकाओ मेरा पैसा। राजा जी माफ कर दीजिए राजा जी। नहीं नहीं, इसके पत्नी, इसके बच्चे और इसका जो कुछ है उस सबको बेच दो, साथ में इसको भी बेच दो और इसके कर्जे को चुका दो। नहीं राजा जी, नहीं राजा जी माफ कर दीजिए राजा जी, राजा जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मेरे कर्जा को माफ कर दीजिए राजा जी, समय दे दीजिए राजा जी, मैं समय मांगता हूँ राजा जी, तरस खाइए राजा जी। ठीक है मैंने तुम्हारे कर्जे को माफ किया, जाओ। मेरा कर्जा माफ हो गया, मैंने राजा जी को पटा लिया। रे 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 रुक 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 रुक, इधर आ इधर आ, तेरे को क्या लगा तू भाग जाएगा? इधर आ, मेरा कर्जा चुका। माफ कर दीजिए मालिक, थोड़े दिनों में मैं चुका दूंगा। नहीं नहीं मुझे, धीरज दे दिया मालिक, माफ कर दीजिए मैं थोड़े दिनों में चुका दूंगा। नहीं मुझे आज ही चाहिए, मुझे दो। नहीं मालिक मुझे थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, मैं चुका दूंगा। दे मुझे मेरा कर्जा वापस लौटा दे। दे दूंगा मालिक। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पॉल है। हाँ हाँ मुझे भी वही लगता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लड़ाई हो रही है इन दोनों की लगता है। हाँ चलो चलो देखते हैं। मेरे को मेरा कर्जा दे। नहीं अरे अरे छोड़ दो छोड़ दो, मैं चुका दूंगा मालिक, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं मालिक, आज बंदी ग्राम में डाल दूंगा। नहीं मालिक नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। चल तू ऐसे नहीं मानेगा ना, चल चल चल, तू आज जेल में डालूंगा तुझे। नहीं मालिक छोड़ दीजिए, मालिक छोड़ दीजिए। नहीं मुझे आज ही चाहिए, दोगे तो दो वरना आज ही मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। नहीं मालिक मेरे पास अभी हाल ही में कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है चलो जेल में। देखो ये क्या कर रहा है, ये माफ नहीं कर रहा है उसे। वही तो, राजा ने इसको आज ही माफ किया मैंने सुना। हाँ हाँ मैंने भी सुना। चलो ये बात तो हमें राजा को बतानी पड़ेगी। हाँ चलो चलो बताते हैं चलो। राजा जी प्रणाम। राजा जी पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आज आपने जिसका कर्जा माफ किया था उससे किसी ने थोड़ा सा कर्जा ले लिया था और उसने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। अरे उस दुष्ट की इतनी हिम्मत? हाँ उसने ऐसा ही किया है। सेनापति उस दुष्ट पॉल को पकड़ के ले आओ यहाँ पे।
अरे यार ये क्या हो गया, राजा जी तो एकदम गुस्से में खड़े हैं और ये दोनों भी खड़े हैं इस राजभवन में, क्या हो गया होगा? राजा जी प्रणाम, आपने बुलाया मुझे राजा जी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने तुम्हारा इतना सारा कर्जा माफ कर दिया और तुम दूसरों का कोई कर्जा माफ नहीं कर रहे। ये दोनों ने बताया राजा जी? राजा जी आप ये लोग पे भरोसा कर रहे हो? राजा जी ये लोग पे भरोसा कर रहे हो? मैं आपका पुराना सेवक हूँ राजा जी। राजा जी नहीं, राजा जी झूठ बोल रहे हैं राजा जी। ये लोग की बात मत मानिए राजा जी, मैं सच सच कहता हूँ राजा जी। जैसे मैंने तुझ पे दया की, क्या तू उस पे दया नहीं कर सकता था? तूने तो मुझसे कितना कर्जा लिया था, लेकिन उस बिचारे ने तुझसे सिर्फ थोड़ा ही लिया था। राजा जी मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। नहीं इस बार तो बिल्कुल नहीं माफ करूंगा तुमको। नहीं राजा जी माफ कर दीजिए। नहीं नहीं सेनापति इसको लेके जाओ। राजा जी नहीं, मैं पैर पड़ता हूँ राजा जी। और कैदखाने में डाल दो। नहीं राजा जी नहीं, कैसे कर्जा भरूंगा? देखा आपने, राजा ने जैसे उस दुष्ट दास को माफ किया था, वैसे यीशु मसीह हमें माफ करते हैं। हम भी कितने बुरे हैं, हम तो उस दास से ही बुरे हैं। हमने कितने सारे पाप किए हैं, हम झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा की बात को नहीं मानते, गलत काम करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह ने हमको माफ किया, तो हमने आज उस माफी को पाया है। आप लोगों ने भी उस माफी को पाया है, तो आपको क्या करना है? आपको दूसरों को माफ करना है। जैसे उस राजा ने माफ किया, वैसे हमें भी लोगों को माफ करना चाहिए, क्योंकि हमने माफी पाई है, हमें माफी देना है। यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम कितने पापी थे, फिर भी यीशु मसीह ने हमें माफ किया। तो चलिए उनके प्यार को हम देखते हैं। कभी न बदलेगा अटल अनुग्रह यीशु मसीह का, कभी न टलेगा अटल अनुग्रह यीशु मसीह का, कभी न टलेगा प्रेम यीशु मसीह का। करेगा स्वीकार तुझे पापी को भी, प्रेम से बुलाता वो तुझे को अभी। करेगा स्वीकार तुझे पापी को भी, प्रेम से बुलाता वो तुझे को अभी। आजा तू पास करके विश्वास, आशीष को अपना ले। आजा तू पास के विश्वास, मसीह को अपना ले। मसीह को अपना ले, प्रेम यीशु मसीह का।
हुआ बलिदान टुकराया गया, तेरे लिए वो घायल हुआ, हुआ बलिदान टुकराया गया। सूली से जो बहता लहू डोले बहा दिल को तू, सूली से जो बहता लहू डोले बहा दिल को तू, डोले बहा दिल को तू, प्रेम यीशु मसीह का। लिया वो तेरे पापों का बोझ, सह लिया तेरे रोगों को भी, उठा लिया वो तेरे पापों का बोझ, सह लिया तेरे रोगों को भी, तेने तुझे सारी आशीषे श्राप बना वो क्रूस पर, तेने तुझे सारी आशीषे श्राप बना वो क्रूस पे, श्राप बना वो क्रूस पे, प्रेम यीशु मसीह का कभी ना बदलेगा, अटल अनुग्रह यीशु मसीह का कभी ना टलेगा, अटल अनुग्रह यीशु मसीह का कभी न टलेगा, प्रेम यीशु मसीह।